फ्रेश मार्ट के रिप्रेजेंटेंट तपस कुमार जी हमारे साथ हैं। तपस जी, आपका चैनल में स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा। सर, बड़ी तारीफ करी है लोगों ने यहाँ पर एक छत के नीचे, मतलब फ्रेश मार्ट, बड़ी फ्रेश, ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा फ्रेशनेस नजर आ रही है इन सब के अंदर। जी बिल्कुल। अब मैं ये सीधा पूछूंगा सर, कंपनी की क्या USP है और क्यों अट्रैक्शन है कंपनी का? जी देखिए, 45 दिनों के अंदर इंटीरियर से लेकर के प्रोडक्ट परचेजिंग से लेकर के स्टाफ हायरिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग, सैम्पलिंग, ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं जो एक अकेला बंदा खुद से नहीं ओपन कर सकता। जी फ्रेश मार्ट आपको ये गारंटी देती है कि 45 दिनों के अंदर हम आपका स्टोर कंप्लीट सेटअप करके देंगे। इसके अलावा अगर मैं USP की बात करूं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे एडवांस है। क्लाउड सर्विस हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, जिसके जो चार्जेस है मार्केट में वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50,000 एक्स्ट्रा पे करते हैं कस्टमर। बट हम लोग क्या करते हैं, वो क्लाउड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, आपके बिजनेस को स्केल करने में आसानी रहती है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग हमारी कंपनी आपको करके देती है, फ्री बिजनेस वेबसाइट कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। मार्जिन की बात करूं तो अप टू 35% तक का मार्जिन जो है वो कंपनी गारंटी देती है कि इतना आप कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाएंगे, तो ये सेल को बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वेपन होता है इस ज़माने में अपनी चीज़ को, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और वो कंपनी बखूबी और बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। देखिए जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। सर अब ये बताइए, इस फ्रेंचाइजी को किस तरीके से लिया जा सकता है? क्या कोई कॉमन मैन, आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, या कोई महिला है, क्या वो ले सकती है? बिल्कुल सर, अगर आप मार्केट का सर्वे हमने जिस हिसाब से किया है तो हमने ये नोटिस किया है कि जो कोरोना के बाद से सुपरमार्केट का बिजनेस जो है वो बहुत बूम कर रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि ये सबसे कम रिस्क वाला बिजनेस है, सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, साथ ही साथ 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद कोई भी बंदा इस बिजनेस को आसानी से कर सकता है। अब जो दूसरा सवाल आपने किया कि जी फ्रेश मार्ट के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप साइट सर्वे करवाएं, आपकी लोकेशन सर्वे करवाएं, क्योंकि इसमें हम नहीं चाहते कि 6 महीने बाद आपको कोई भी परेशानी हो, तो इससे कंपनी का नाम भी खराब होता है, साथ ही साथ कस्टमर का पैसा भी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो जो साइट वेरिफिकेशन है वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका एरिया को हम सर्वे कर सकें कि आपके एरिया के अंदर सेल कितनी होगी, साथ ही साथ प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो किस तरीके से रहा जाएगा। सर एक तो ये बताइए कि आपके जो रन कर रहे हैं स्टोर वो कितने हैं ऑल ओवर इंडिया में? सर ऑल ओवर इंडिया अगर मैं बात करूँ तो हमारे 55 प्लस स्टोर्स हैं, और करंटली अगले महीने हमारे 7 स्टोर्स जो हैं और रनिंग में हैं, जो आने वाले हैं। अच्छा, मतलब पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में है जी, करेक्ट बिल्कुल। अच्छा अब ये बताइए कि, हाँ बताइए। जी मैं बस यही कहने वाला था कि फर्स्ट टायर, सेकंड टायर और थ्री टायर, ये 3 तरीके की सिटीज होती हैं, और हर जगह पे जो है जी फ्रेश मार्ट जो है वो अवेलेबल है। मेरा सवाल सर यही था कि कोई छोटा सा गांव है या छोटी सी जगह है जी, या बड़े शहर के साथ कोई और छोटा सा एरिया है, क्या वहाँ पर ये सब सेटअप खोला जा सकता है? बिल्कुल सर, हम जो है अपनी सर्विसेज पैन इंडिया में प्रोवाइड करवाते हैं, इसीलिए जो जैसा मैंने साइट विजिट बोला था, तो साइट विजिट इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, तो हमें वो सर्वे करके डिसाइड करना पड़ता है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि किसी भी शहर, छोटा कस्बा हो या बड़ा शहर हो, कहीं पर भी आप जो है इसकी ओपनिंग बिना किसी झंझट के कर सकते हैं जी फ्रेश मार्ट के साथ जुड़ के। चलिए अब मुद्दे की बात बताइएगा सर, क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज हैं, कितना एरिया चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और कंपनी अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो उसमें कंपनी का क्या योगदान रहेगा? अच्छा देखिए, जो स्टार्टिंग है इनिशियल वो है फ्रेंचाइजी कॉस्ट, विच इज़ 2,10,000 रुपीज़ प्लस 18% GST। ठीक है, सबसे छोटा एरिया जो कंपनी को डिमांड करती है वो है ये है कि 500 स्क्वायर फीट मिनिमम आपका एरिया होना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट आपका 13 लाख रुपीज़ जो है वो कंपनी कहती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आपके पास मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एरिया जो होता है, एरिया आप बड़ा करते जाएंगे, मान लीजिए 600 स्क्वायर फीट या 1,000 स्क्वायर फीट, तो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप साइज़ बढ़ाएंगे तो जो प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरीज बढ़ जाती है, कैटेगरीज बढ़ती है तो इंटीरियर की कॉस्टिंग भी बढ़ती है और प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी बढ़ती है। तो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग और 1,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से आपका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हो जाती है, और क्या कहते हैं आपका जो फ्रेंचाइजी फीस है वो सेम रहता है चाहे आपका एरिया कितना भी बड़ा हो। अच्छा अब ये बताइए कि जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत जोश और उमंग इस वक्त में काम करने की है, खासतौर पर FMCG इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर, कंपनी कितना साथ देगी उसका? देखिए कंपनी आपसे वन टाइम फीस चार्ज करती है 2,10,000 रुपये, बट इसमें
कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और दूसरी बात पूछ रहा हूँ सर, इसी में कुछ और क्लियर कर लेते हैं कि अगर बार बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, है बिजनेस को चलाने में, या उसने चलिए फ्रेंचाइजी खोल ली, तो कंपनी कितना साथ रन करती है? एक हफ्ता, दो हफ्ता, एक महीना, दो महीना? 5 ईयर्स तक, 3 मंथ्स के लिए तो आपका पहले प्रीमियम सपोर्ट रहता है, जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर रहते हैं। बट अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर के लिए एक डेडिकेटेड टीम दी जाती है हर स्टोर पे। आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आपको ग्रुप में सिर्फ पिंग करना है। सॉफ्टवेयर के लिए अलग टीम है, सेल्स के लिए हमारी अलग टीम है, परचेजिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आ रही है तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए क्रिएट करके रखते हैं। और इसके साथ साथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग टाइम टू टाइम कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। बहुत बढ़िया, देखिए जितनी सारी बातें थी वो सारी बातें मैंने आपकी पूछी हैं। अच्छा, इस बीच में तपस भाई, मैं अगर कोई बात पूछना भूल गया हूँ आपसे तो, और बताना चाह रहे हो या बात रह गई हो तो आप बता दीजिए प्लीज़। देखिए सर, बताने के लिए मेन जो चीज़ है वो ये है कि कस्टमर के लिए सेटअप के जो इनिशियल फेज़ होता है वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, क्योंकि इंटीरियर की ही बात करें तो 20 से 25 वेंडर हैं कि रैक्स कहाँ से खरीदें, फॉल सीलिंग कहाँ कैसे कराएं, लाइटनिंग, बिलिंग कंप्यूटर, बिलिंग बारकोड मशीन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। परचेजिंग की बात करूँ तो 300 प्लस कंपनियाँ हैं, 8000 से ज़्यादा ब्रांड्स हैं, उनसे डीलिंग करना, कौन से प्रोडक्ट कितने प्राइस में मुझे खरीदना है, डिस्काउंट कैसे लगाना है, या स्टाफ की हायरिंग कैसे करूँ, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड टास्क हैं, बिना किसी एक्सपर्ट के आप ये चीज़ें मतलब नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी क्या करती है, विद इन 45 डेज के अंदर यही गारंटी देती है कि आपको एक एक्सपर्ट टीम, यानी हमारे जो परचेज मैनेजर हैं, फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आपके स्टोर में रहने वाले हैं, आपके लिए कैसे सैम्पलिंग होती है, कैसे प्रोडक्ट का डिस्प्ले कराया जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले कैसे हो रहा है, डिस्काउंट कैसे सेटअप किया जाता है, इसके अलावा मार्केटिंग करी जाती है, ब्रांडिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ों में कंपनी आपकी हेल्प करती है। थैंक यू वेरी मच अवाद भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए कंपनी के डिटेल्स, उनकी पॉलिसीज एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारी तबाद भाई ने बहुत क्लैरिटी के ट्रांसपेरेंसी के साथ बताई, यानी अब आप तबाद भाई को बार बार परेशान कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है बोल रहा हूँ सर, ये देखिए पब्लिक के बाद। सर बिल्कुल, हम यहाँ बैठे ही परेशान होने के लिए हैं ताकि आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर।